ससुर जेठ देवर पूरा जो है फैमिली होता है, रिश्तेदार भी आते हैं। तो अच्छे घर की लड़की सबको ये तो उचित आदर देती है, सबका सत्कार करती है, विनम्र मृदु भाषी होती है, लेकिन जो श्रद्धा उसकी अपने पति में होती है वो किसी में नहीं हो सकती। अब जो श्रद्धा, जो आस्था, जो समर्पण अपने पति में उसका होता है वो उनमें नहीं हो सकता, और सबके साथ आदर और सत्कार और प्यार से रहती है। जब वो भिन्न होती है, जब अलग होते हैं, वो अपने हिस्से के चम्मच तक भी उठा ले जाएगी, अपने कमरे में धर लेगी उठा के, अपने पति के संग चली जाएगी, उनकी तरफ झांके भी नहीं। तो पुण्यात्माओं, हम यहाँ इस काल के जाल में रह रहे हैं, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ये जितने भी देव हैं ये अपने ही भाई बहन हैं, नाती हैं। अभी यहाँ ये प्रधान बना रखे हैं, हमारा इनके साथ कोई द्वेष नहीं है, इनका भी सत्कार करना है, लेकिन हमारी आस्था इनमें उस पतिव्रता की तरह कभी नहीं हो सकती। और जब हम यहाँ से चलेंगे न्यारे होवांगे इनते, जब हम इनसे अलग होवांगे यानी सतलोक को चलेंगे, तो अपनी पाई पाई हर एक सारा भक्ति कमाई साथ ले चलेंगे, इनका नहीं झांखा भी कोनी। लेकिन जब तक हम सह परिवार में हैं, ज्वाइंट फैमिली में हैं, हमारा फर्द नहीं बनता, राड पैदा करें। परमात्मा कहते हैं तीनों देवा दिल में बसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम करो इनको बंदगी फिर सुन सतगुरु उपदेश। तीनों देवा दिल में बसे माने आदरणीय हैं, और पहले इन्हीं का सत्कार करो, क्योंकि प्रथम मंत्र यहीं से प्रारंभ करते हैं, लेकिन सुन सतगुरु उपदेश, फिर जो वास्तविक ज्ञान गुरु बताता उस पर ध्यान देना। अब गीता जी अध्याय नंबर 13 में कहा है कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। व्यभिचारिणी भक्ति हम करा करते, पहले हनुमान मिल गया जय बजरंग बली की, दादा श्याम जी दिख गया जय दादा श्याम जी की, मेरा करिए बेड़ा पार, और कदे शेरा वाली करिए बेड़ा पार, भगवान विष्णु करिए बेड़ा पार, शंकर भगवान दिए मेरती फलानी भक्ति वो धन। तो हम इन सब के आगे अपनी जो है ना याचना करते थे, हम व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे। अब हमने अपने पति का पता लग गया, कबीर हमारा सबका मालिक है, सबका स्वामी है, अब हम उस पति से जुड़ गए, हमारी सगाई होगी, अब हमने अपने पति के अतिरिक्त किसी भी देव का याचना नहीं करनी, क्योंकि याचना करेंगे समर्पित कर दिया, एक के साथ दे सब सदै सब साथ दे सब जावे, माली सीचे मूल को फिर फले फूले अगावे। फिर परमात्मा बताते हैं जो ऐसा जब हो जाएगा, वो कैसी भावना हो तेरी, कहते हैं पतिव्रता सो जानी ये जो एक पुरुष से रात है, निर्दावे निर्भयता ना दूजे से बात। पतिव्रता सो जानिए एक पुरुष से रात, रत माने लीन, पतिव्रता वो जानिए जो केवल एक पुरुष से संबंधित है यानी अपने पति से, और निर्दाव निर्भयता किसी के साथ कोई द्वेष नहीं रखती, और ना दूजे से बात यानी अपने पति सतर की बात वो किसी और से नहीं कर सकती। घर आंगन एक सारे है बचन उलंग ना होई, आन खसम से ओलने पति भरता है सोई। अब देखो दोनों व्यवहारिक और आध्यात्मिक इस एक ही वाणी में दोनों ही आपके समक्ष उदाहरण होंगे। घर आंगन एक सार है, चाहे वो घर में रह पति भरता से बाहर काम पर जाती है, उसके मन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, और आन खसम से ओलने उससे बचाव करती है पति भरता है सोई।
आन पुरुष से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, जिनसे क्या घर बास है वो घर में बसे घुड़ैल। कहते हैं आन पुरुष से हंसत है वो चंडी चोर चुड़ैल, और कहते हैं उससे क्या घर बसेगा वह घर में बसे घुड़ैल, भूतनी है वह। अब यहाँ परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं कि एक कबीर परमात्मा ने छोड़ के आपकी श्रद्धा आपका भाव किसी भी ईश किसी भी देव में बनता है तो परमात्मा कहते हैं उसकी हमने जरूरत को ना, उस औरत को जो दूसरे से बातें करती है पति सत्र के, फिर वो घर में रखण जोगी को ना, तो परमात्मा हमसे रूस जाएगा। सो कर्मी घर में रहे पतिव्रता सो नारे, आन पुरुष से कर प्रीतड़ी ना रखिए घर बार, पतिव्रता सुनी नहीं ये रखवाले हैं राम, कल्प वर्ष करुणा मही वो चौकी आठों जावे। कहते हैं जो एक परमात्मा कबीर जी पाश्रित होगी आत्मा, कहते हैं फिर पतिव्रता सुनी नहीं रखवाले हैं राम, वो कबीर परमात्मा उसके रखवाले होंगे, पल पल पर साथ रहेंगे। और कल्प वृक्ष करुणामयी, वो कल्प वृक्ष का काम करेगा दयालु भगवान, और चौकी आठों याम यानी हर समय उसकी एक एक पल की खबर रखेगा भगवान, कोई आपत्ति ना आ जाए मेरे बच्चे पे। पतिव्रता पानी चली पन ही ना ही पाए, वस्त्र अंग विनंग है वो आप देत उठाए, पतिव्रता जमी पर जो 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 धर है पाव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। कहते हैं वो पतिव्रता यानी जैसे परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त आपकी किसी अन्य देव में सपने में भी इच्छा नहीं जागी तो आप पतिव्रता पद पर आ गए। और कहते हैं फिर आप जीवन रूपी सफर में, आप अपने जीवन रूपी सफर में जो जो धर है पाव यानी अपने सफर में जीवन रूपी सफर में आप चलते हो, और कहते समर्थ झाड़ू देते हैं आपके जीवन मार्ग में यदि आपके ऊपर कोई आपत्ति आने वाला पाप का दंड है उसको मालिक बुहार देता है, उस पाप के दंड को नाश करता आगे आगे झाड़ू देता चलता है, तेरे सुख देने के लिए तेरा दुख निवारण करने के लिए तुझे पता भी नहीं लगने देता तू के आपत्ति आनी थी, और परमात्मा उसको इन एडवांस खत्म कर देता है। पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाव, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। पतिव्रता भूखी रहे वहां समर्थ घर सोचे, ऐसी पति की स्त्री के काल कर्म हो मोक्ष। पतिव्रता बतिया कह रहे आन पुरुष मुख जोड़े, साहेब बहुत रिसाते है वो पल में बैठे तोड़े। अपनात्मा आप जी की तरफ संकेत है, परमात्मा कह रहे हैं कि पतिव्रता बतिया करे आन पुरुष मुख जोड़, यानी किसी और पुरुष के साथ कोई बात करती है लड़की तो उसका पति कहते हैं उससे बहुत नाराज हो जाता है और उससे नाता तोड़ लेता है। ये उदाहरण दे रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अपने मालिक को छोड़कर हम किसी अन्य देव से हृदय से भी कोई डिमांड करने की चेष्टा करेंगे तो कहते हैं साहेब बहुत रिसात है, परमात्मा बहुत गुस्सा करता है दुखी होता है और आपको पल में बैठे तोड़ आपको रिजेक्ट कर देगा। अब परमात्मा कहते हैं कबीर जी 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष भी आप इस सत्साधना को कर रहे हो और एक दिन आपने आन देव की पूजा कर ली अन्य देवता की, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी, आपका नाम खंड हो जाएगा। नाम खंड होने से फिर आपका धीरे धीरे यहाँ से मन हट जाएगा और 100-100 कोस दूर चले जाओगे
और जब तक ये आपका नाम खंड नहीं हुआ तब तक जो सत साधना कर ली वो बहुत धन आपके पास हो गया। और आप जी यहाँ ना भी आओगे, नाम भी नहीं जपोगे और बकवाद भी शुरू कर दोगे तो भी आपके लगातार सुख होते रहेंगे, क्योंकि आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी है और वो मनमाने कई हजार युगों तक आपको लाभ दे सकती है। और फिर आखिर में गधे का गधा। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, ऐसी सत साधना, और एक दिन आन उपासी वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। तो हम जिस सत्र से यहाँ गिरे थे हमने उसी सत्र पर आकर परमात्मा पाना है, और हमने अपने मालिक कबीर के अतिरिक्त किसी आन उपासना को नहीं करना है, ऐसे हमारा मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव।